गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में गेंदे से बनी हुई क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ये क्रीम गेंदे के फूल से बनी है और ये बहुत ही ज्यादा असरदार है आपकी स्किन को लाइटन, वाइटन और ब्राइटन बनाने के लिए। इस क्रीम के अंदर मैंने 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं जो कि आपके चेहरे पर से झाइयां, झुर्रियां या किसी भी तरह के दाग धब्बे या निशान है उनको रिमूव करने में भी ये क्रीम मदद करेगी और आपकी स्किन को स्पॉटलेस, क्लियर, फेयर, ग्लोइंग और रेडिएंट बनाएगी। तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए गेंदे के फूल और यहाँ पर मैंने 2 गेंदे के फूल लिए हैं और अब आपको इन 2 गेंदों के फूलों को अच्छे से तोड़ना है, यानी कि उनकी कलियों को तोड़ना है। फिर हमें चाहिए रोज वाटर यानी कि गुलाब जल और अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच गुलाब जल डालूंगी और अब इन दोनों चीज को हमें अच्छे से पीस लेना है ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए और इन दोनों को अच्छे से पीसने के बाद ये पेस्ट कुछ इस तरह दिखेगा। अब हमें इस पेस्ट को छानना है ताकि हमारे पास एक फाइन पेस्ट मिले। इसको अच्छे से छानने के बाद आपका ये स्मूथ मिक्सचर रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो चलिए अब ये क्रीम बनाना शुरू करते हैं और इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए विटामिन ई ऑयल और यहाँ पर मैं इस पेस्ट के अंदर 1 चम्मच विटामिन ई ऑयल डाल रही हूँ और अगर आपके पास ये ऑयल नहीं है तो आप विटामिन ई की कैप्सूल्स भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए ऑलिव ऑयल और अब इसके अंदर मैं 1/2 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। ऑलिव ऑयल डालने के बाद अब हमें इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये दोनों ऑयल इस पेस्ट के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब लास्ट में हमें इसके अंदर एलोवेरा जेल डालना है और यहाँ पर मैं रेडीमेड एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ बट आप नेचुरल एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं और इसके अंदर आप 2-3 चम्मच एलोवेरा जेल डालिए और इनको बहुत ही अच्छे से मिक्स करिए। और इस पेस्ट को आपको तब तक मिक्स करना है जब तक एक फ्लफी और क्रीमी कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती आपको। और अच्छे से सब कुछ मिक्स करने के बाद आपकी ये क्रीम रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगी। ये क्रीम आपको गोरा होने में और आपकी स्किन को लाइटन और वाइटन करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। इस क्रीम की कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, ना ही ज्यादा पतली और ना ही ज्यादा थिक जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और ये क्रीम बहुत ज्यादा स्मूथ, फ्लफी और क्रीमी होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रीम को कैसे स्टोर किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को स्टोर करना बहुत ही आसान है, आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और आप इस क्रीम को 10-15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्रीम को कैसे यूज किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा अपने स्किन पर लगाना है और आप इस क्रीम को अपने फेस पर या अपनी फुल बॉडी पर यूज कर सकते हैं और अच्छे से लगाकर इसको 10-15 सेकेंड के लिए अपनी स्किन पर मसाज कीजिए और इसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप इस क्रीम से बेस्ट रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आपको ये क्रीम दिन में 2 बार इस्तेमाल करनी होगी, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी ईजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे वीडियोज़ की रेगुलर और फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए।